हेलो दिल्ली, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने फेवरेट शो म्यूजिक मस्ती और धमाल में। मैं हूँ स्वाति। ये वही शो है जहाँ पर हम आपको सुनवाते हैं ढेर सारा म्यूजिक, मिलवाते हैं दिल्ली के बेहतरीन बैंड से, होती हैं उनसे ढेर सारी बातें, खुलते हैं उनके ढेरों राज। जी हाँ, ये सब कुछ होता है इसी शो में। इस हफ्ते भी दिल्ली का एक और बेहतरीन बैंड हमारे साथ जुड़ा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं म्यूजिक मस्ती और धमाल की। एक धुन प्यार की, एक धुन मोहब्बत की, एक धुन सोशल मैसेज की। जी हाँ, इसी मकसद से धुन बैंड इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन जो इनकी है वो एक सोशल मैसेज के साथ ही अपने गाने दर्शकों के सामने रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। गाइस, सबसे पहले तो ये धुन जो नाम है, धुन का मतलब मेलेडी, ये नाम कैसे पड़ा आप बताइए मुझे पवन। ये नाम हमने सबसे पहले हम लोग जिस म्यूजिक सोसाइटी में थे अपने कॉलेज के, उसका हम एक नाम रखना चाह रहे थे। तो हम लोग ने सोचा कि जब हम म्यूजिक सोसाइटी छोड़ेंगे तो कॉलेज को एक नाम देके जाएंगे, वो नाम हमने ये धुन चूज किया। पवन ने जैसे कि बताया सनी कि जैसे इनको डाउट था कि ये बीएससी नहीं करेंगे, लेकिन यू आर वेरी श्योर कि नहीं, मुझे म्यूजिक ही करना है। बैक इन 2002, तो उस समय मतलब 10-12 साल पहले की बात है ये, तब म्यूजिक इतना पॉपुलर नहीं था, इतने एवेन्यूज नहीं खुले थे म्यूजिक बैंड के लिए, तो उस समय क्या था आपके दिमाग में कि यू आर सो श्योर अबाउट इट? एक्चुअली यू आर एक्चुअली क्वाइट राइट कि हम सब लोग इनफैक्ट उसी एरा से निकले हैं जब इतना कुछ नहीं था म्यूजिक फील्ड में करने के लिए, जितना आज सोशल मीडिया एक्टिव है, या आपने एक सॉन्ग किया आप यूट्यूब पे रिकॉर्ड करते हैं, फटाफट आप सबके लोगों में नज़रों में आते। उस टाइम पे एक ही आपके पास एक मीडियम था, दैट वाज आप आए एल्बम अपनी बनाए और मार्केट में ले गए। सो उस टाइम तो ये था कि हाँ यार, कॉलेज जा रहे हैं तो यार डर तो डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है, और तीसरी कोई चीज़ बन नहीं सकते। बट फिर पता लगता है कि हाँ यार, नहीं कर सकते हो। सो और कुछ आता ही नहीं, एग्जैक्टली कोई दिल से कुछ आता नहीं था। सो व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर तो हमें लगा कि नहीं यार, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, बट इसे करके दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, लेट्स गो अहेड विद दैट। ये तो इनकी कहानी होगी। विक्रांत, आप बताइए कैसा रहा आपका, कैसे आए आप इनके साथ? मैं एक बार पैसे घूमने गया था एडवेंचर एंड मॉल मेरे घर के पास में ही, तो वहाँ पे धुन का शो चल रहा था, तो बहुत डिफरेंट साउंड मैंने वहाँ महसूस किया और एक फील महसूस किया डिफरेंट। तो मैं आई अप्रोच दीज गाइस और फिर हम लोग कॉन्टेक्ट में आए एंड तब से लोग साथ में बिल्कुल एग्जैक्टली इट्स माय प्लेजर बीइंग विद देम। तो एक धुन जो जैसे कि ये बोल रहे हैं कि कुछ करना नहीं आता, सिर्फ वही करते हैं जो मन को शांति देता है, सुकून देता है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले कि 2003 में ये बैंड बना था, 10 साल से पहले बना था ये बैंड, इनके सफर को दिखाते हैं कि हाउ दीज गाइस केम टुगेदर, किस तरीके से म्यूजिक इनको साथ लाया। चला की लबदा फिरे, चला की लबदा फिरे, यारों दा घर केड़ा, लोका ता पुछदा फिरे। बहुत कम बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी ओरिजिनल कंपोजिशंस के दम पर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। जरिया भले ही संगीत का हो, लेकिन इन गीतों में सोशल मैसेज को बखूबी सुना जा सकता है। मिलिए धुन के दीवानों से। बैंड की शुरुआत हुई 2003 में। ये बैंड दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के पास आउट पवन शर्मा का ब्रेन चाइल्ड है। बैंड में इस वक्त 3 सेशन प्लेयर को मिलाकर कुल 6 मेंबर हैं। बैंड के लीड सिंगर पवन, एमएससी की डिग्री लिए बैंड के गिटारिस्ट सनी दत्ता, कीबोर्ड प्लेयर विक्रांत पुरी, इन सभी की कॉलेज में कॉम्पिटिशन के जरिए मुलाकात हुई। दस साल से अपनी धुनों से लोगों को एंटरटेन करते आ रहे धुन बैंड ने देश भर में कई कॉन्सर्ट किए हैं। ओरिजिनल कंपोजिशंस को बॉलीवुड गीतों के साथ ब्लेंड कर पेश करने में इस बैंड को महारत हासिल है। दिल्ली का ये हिंदी रॉक बैंड
बहुत जल्द अपना एल्बम रिलीज करने की तैयारी में है। कभी तुझ पे हंसा मैं और कभी तुझ पे। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये बैंड बना, इनके सफर को। यहाँ मुझे एक चीज आपसे जाननी है पवन, कि 10 साल हो गए आपके बैंड को, लेकिन प्रमोशन की अगर हम बात करें तो आपने इतना रिगरस प्रमोशन अपने बैंड का क्यों नहीं किया? जैसे आज, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इतने एक गाना किया, यूट्यूब पे डाल दिया, अवेयरनेस, मतलब ज्यादातर, मतलब क्या चीज आपको बांधे रखती है? मैंने आपको बताया ना, और कुछ आता ही नहीं। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपना आपस में एंजॉय करते हैं। टिल क्वाइट रिसेंटली हम लोग ऐसे कवर बैंड, हम लोग कवर ज़्यादा करते थे, सो देयर वाज नो पॉइंट कि हम कवर्स रिकॉर्ड करें उसको यूट्यूब पे डालें। सो इट्स बीन क्वाइट रिसेंट जब हम अपने साउंड में अपने काम करना शुरू किया है। सो जैसे ही अब आते आएंगे हम सबसे सिंगल्स लॉन्च करते हैं। 10 साल लग गए आपको अपने गाने बनाने में। उसका एक रीज़न ये है कि जब हमने बैंड शुरू किया था हम 9 सीखे थे, मतलब अभी भी कुछ नहीं आता, कोशिश कर रहे हैं अभी भी कुछ ना कुछ करने की कि म्यूज़िक में कुछ कर पाएँ। तो धीरे धीरे सीखते सीखते अभी उस मुकाम तक आए हैं कि कुछ 2-3 हमने गाने अभी कंपोज किए हैं, अब उन्हें रिलीज करना चाहते हैं। तो अभी भी नहीं हो रहा, 10 साल तो अभी भी, मतलब इट्स स्टिल ऑन द काउंट। इन्होंने बोला कि अभी बस ये अंडर प्रोग्रेस है, इनके एल्बम बहुत जल्द ही मार्केट में इनके गाने आने वाले हैं। तो यानी कि ये शो एक प्लेटफॉर्म है धुन बैंड के एक्सक्लूसिव गाने सुनने का, और ये अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर आप लोगों को देती हूँ। इनफैक्ट मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आपके फर्स्ट हैंड गाने मैं सुनूं। तो चलिए हो जाए एक गाना, ओवर टू यू गाइस। अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, अब तो जाग, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, अब तो जा। रह गई लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, अब तो जा। कर ले अज कर नींदा बेड़ा, फिर ना हो सी आवन तेरा, साथी चला चल पुकारे, साथी चला चल पुकारे, हे अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, हे अब तो जा। अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, अब तो जा। लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, अब तो जा। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना था, ये बाबा बुल्ले शाह की कॉम्पोजिशन आपने जैसे बताई थी, इसे हमने अपने तरीके से इसे कंपोज किया है। एंड इसका मैसेज है कि अब तो जाग, 10 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, अब तो जाग। ये हमने खुद को ही मोटिवेट करने के लिए किया है। 10 साल ये बनने वाले करें ताकि वो लोगों तक पहुंचे। जो मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहते हैं, सोसाइटी में जो हो रहा है, ये रॉक उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक म्यूजिशियन अपने गानों के जरिए, अपने लिरिक्स के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करता है बहुत ज़्यादा। इनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इन सभी को एक अपने अपने लेवल पे पापड़ मिलने पड़े हैं, बीएससी पास करने की कितनी इन्होंने जद्दोजहद करी है पास करने के लिए। विक्रांत आप मुझे बताइए, आपने जैसे कि मुझे बताया था कि आपके पास 2 ऑप्शन थे, आप कंप्यूटर के ओ लेवल तक पहुँच गए थे, लेकिन उस पड़ाव पर आने के बाद आपने म्यूजिक को चुना, तो ये कैसे हुआ? जब मैं कंप्यूटर्स में था, मैं ओ लेवल कर चुका था और ए लेवल में उस टाइम परस्यू कर रहा था। तो जब मेरे को एक ऑप्शन था कि मेरे को या तो म्यूज़िक या कंप्यूटर्स में से अब एक चीज़ चूज़ कर लेनी चाहिए, इट्स टाइम टू चूज़। तो उससे मैंने सोचा कंप्यूटर्स में जब भी मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, कुछ भी एक छोटा सेमीकोलन का एरर या एक छोटा डॉट का एरर, और उसको पूरे प्रोग्राम को घंटों घंटों स्टडी करते रहो तो हेडेक हो जाता था। और उसके बाद जब म्यूज़िक लेके बैठता था तो सारा हेडेक हट जाता था, एक रिलैक्सेशन मिलता था। तो उस रिलैक्सेशन के लिए, उस म्यूज़िक के लिए मैंने चूज किया म्यूजिक। जब ये शो शुरू हुआ था पवन, आपसे ऐसी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि बीएससी में कितने नंबर मिले थे ये मत पूछेगा, लेकिन यहाँ इस वक्त मैं अपने दर्शकों के सामने पूछ रही हूँ कितने नंबर मिले थे आपको? पास हो गए थे बस। कितने पापड़ बेलने पड़े थे?
टीचर्स पहचानते नहीं थे हमें, बताना पड़ता था सर हम आपकी क्लास में हैं, आपके के स्टूडेंट्स हैं, तो कई टीचर्स ने तो नाम भी रख दिया था बैंड मास्टर। सर नहीं, जैसे कि आप बता रहे थे कि मतलब आपके फैमिली में मम्मी डॉक्टर है, पापा इंजीनियर हैं, तो आई एम श्योर कि प्रेशर तो होगा ही कि आप उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करें, तो वो चीज़ कैसे आपने बैलेंस की, कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को? ऑब्वियसली लाइक पेरेंट्स चाहते हैं कि नॉट ओनली ऑन देयर फुटस्टेप्स, बट वो चाहते थे कि ठीक है तुम जो मर्जी करो बट ऐसा कुछ करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। एक्चुअली दे वर अनश्योर एंड अनसिक्योर्ड कि आगे तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मुझे इस वक्त बहुत खुशी होगी और कि अगर आप मुझे और दर्शकों के लिए एक गाना और सुना दें। ओवर टू यू। ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सो हते जिस ये बूटी लाई हो फिर मेरे यहां जुगनी जी हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी हे वे मेरे पीर दी जुगनी जी हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी हे वे मेरे पीर दी जुगनी जी हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी हे वे नबी पाक दी जुगनी जी हे वे मेरे पीर दी जुगनी जी। थैंक यू गाइस हमारे लिए गाना प्ले करने के लिए। पवन आप बताइए, जैसे 10 साल हो गए हैं, जैसे आपने अभी भी बोला कि आप लोग सीख रहे हैं, चैलेंजेस की अगर हम बात करें, आजकल कितने सारे बैंड्स हैं जो अलग अलग जॉनर में अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन या फिर कवर कर रहे हैं, तो उनके बीच में अपना नाम बनाना, जैसे 10 साल हो गए हैं आपके बैंड को, तो कहाँ देखते हैं इतने सालों में धुन को? हम वही करते आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम कंपटीशन में घुसे और कंपटीशन लड़ने चले गए या इन सब में ही पड़ गए, तो हम जो करना चाह रहे हैं म्यूजिक वो भी नहीं करते। थैंक्स टू यू इस प्लेटफॉर्म पर अपने सॉन्ग्स हम फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे शो के लवर्स हैं उनके लिए भी है कि ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस और दिल्ली के बैंड्स को हम यहाँ पर लेकर आए। तो चैलेंजेस आपके किस तरीके के और चैलेंजेस देखते हैं आने वाले समय में? सस्टेन नहीं कर पाती कोई कंपोजिशन, आज इतना सोर्सेज है सुनने के लिए म्यूजिक कि कोई भी गाना अभी आता है तो एक डेढ़ महीने तक ही चल पाता है। I definitely see original compositions making their own way आगे another time. Maybe covers बहुत time तक नहीं चल सकते। Competition is all about आप एक के सर पांव रख के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप दूसरे सर पांव रख के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। Competition is all about this thing. यही रीजन है कि आज गाने सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग कभी कॉम्पिटिशन का पार्ट नहीं बन रहे। जैसे आपने बोला कि एक के पर रख के सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं डेढ़ महीने तक, लेकिन वो रजिस्टर करना भी दर्शकों के जहन में जरूरी है, तो वरना दर्शक कैसे पहचानेगा कि धुन क्या है, धुन के गाने क्या है? उसके लिए आप लोग ने क्या सोचा है? कॉम्पिटिशन से बाहर रहना, ठीक है आपने सोच लिया कि हमें कॉम्पिटिशन में नहीं रहना है, लेकिन अपनी धुन दर्शकों तक पहुँचाने के लिए कि वो हेड में रहे उनके, तो क्या कुछ सोचा आपने, क्या कर रहे हैं? हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो उनके हेड तक पहुंचे, वो उनके कानों तक पहुंचे और वो सुने उसे, तो उसके लिए जितना भी हमें सहारा लेना पड़ेगा, चाहे एल्बम चाहे सोशल नेटवर्क, हम अपनी कंपोजिशन निकालेंगे, लाइव शोज में परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारे दर्शकों को कैसे बांधे रखना है ये आपके ऊपर है, कैसे बांधते हैं एनर्जी का गिव एंड टेक इज ऑल अबाउट यू। खोलो खोलो दरवाजे पर करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा में लिख छुड़ाओ सारे, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजे तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू, तू धूप है छन से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही, ओ क्यों कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। म्यूजिक मस्ती और धमाल में इस हफ्ते धुन बैंड मेंबर्स जुड़े हैं हमारे साथ,
केमिस्ट्री तो हम आपकी देख ही रहे हैं, आप दोनों कॉलेज में साथ में थे, तो आई एम श्योर कि वो जो हंसी मजाक मस्ती मजाक आपका आपस में भी खूब चलता ही होगा। तो कितनी लड़ाई झगड़ा करते हैं? मस्ती तो हमने देख ली आप लोगों की। लड़ाई झगड़ा यार हाथा भाई तो कभी नहीं, हाथा भाई बाकी वर्बल चलता रहता है। हाथा भाई होगी तो मैं पिटूंगा, इसके हाथ में गिटार होता है। मैं गिटार नहीं मारूंगा, रहने दो, आजकल जिम जा रहे हैं यार, मतलब ही नहीं। लाइक ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं कि हाँ इस सॉन्ग में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वो चलता है, बट आई थिंक दैट्स हेल्दी, दैट्स अ डिस्कशन, वो होना भी चाहिए। यहाँ पर एक वक्त है आपके फेवरेट सेगमेंट का, जहाँ पर हम आपको सुनवाएंगे धुन बैंड के बैक टू बैक गाने। जैसे कि आप मुझे बता रहे थे जो आपका सॉन्ग है प्राण चोच, क्या मैसेज है उसका? ये एक सॉन्ग है जिसमें एक सुहागन अपना सुहाग जल्दी खो देती है, तो वो बताती है इसमें कि जब वो उसके साथ उसका पति उसके साथ था तो वो एक राजकुमारी की तरह रानी की तरह रहती थी। सॉन्ग है प्राण चोंच भर उड़ गयो पंछी। प्राण चोंच भर उड़ गयो पंछी, जाने कौन नगरिया रे, खाली पिंजरा परो जमी पर सुनी भई अटरिया रे। प्राण चोंच भर उड़ गयो पंछी, जाने कौन नगरिया रे, खाली पिंजरा परो जमी पर सुनी भई अटरिया रे। प्राण चोंच भर उड़ गयो इंगुर बिंदिया चुरिया बिछुआ मोह से सारे छीन ले, तुम्हारे राज में रानी थे हम देखो कैसे दीन भए, लुट गयो मेरो साज सिंगार सब छिन गई धानी चुनरिया रे, खाली पिंजरा परो जमी पर सुनी भई अटरिया रे। प्राण चोंच भर उड़ गयो कल आज तू क्यों खड़ा, क्यों जिद पे है तू यूं अड़ा, कल आज तू क्यों खड़ा, क्यों जिद पे है तू यूं अड़ा, सब खंडर हो चुका हर नक्श मिट चुका, जाती सांसों से मैंने कह दिया तख लिया वो तख लिया ओ तख लिया। रंग सतरंगी वे बुलबुला दी बोली, दोप दे पैर चली छावा दी ले डोली, ओए काले काले बदला च चंद लभदा, गूंगिया हवावा दिया वाजा सुनदा,
ओए आसे पासे वसदा यार मेरा दिखदा नहीं ओदी खुशबू है सुंगदा चला की लभदा फिरे चला की लभदा फिरे यारों दा घर केड़ा लोका ता पुछदा फिरे छला हसदा फिरे छला रोंदा फिरे छला गले गले रुलदा फिरे चल तू सबदा चल तेरा कोई नहीं छला गले गले रुलदा फिरे छला की लबदा फिरे। थैंक यू गाइज, हमारे दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आई एम श्योर एनर्जी का गिव एंड टेक हुआ होगा और आप हरे दर्शकों को भी खूब मजा आया होगा। और ये बार फिर से बता दूं, ये जितने भी गाने इन्होंने यहाँ पे अपने ओरिजिनल कॉम्पोजिशन पेश किए थे, ये पहली बार इन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे पेश किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल्ली आज तक के शो म्यूजिक मस्ती और धमाल में। आई एम श्योर आपको इनके गाने पसंद आए होंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी दिन म्यूजिक मस्ती और धमाल में दिल्ली के एक और बेहतरीन बैंड के साथ। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं या किसी बैंड को यहाँ इस शो में पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करिए। हमारा एड्रेस है dhedat@aajtak.com पे। फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय छोड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.facebook.com/dilliaajtaktv। धुन बैंड के साथ मैं आपसे लूंगी इजाजत। Take care. Bye-bye.